देखो मेरा मलाई लड्डू कितनी सुंदर बनी है और कितनी अच्छी देखने में लग रहा है। ये 3 किलो दूध के हमारे ये मलाई लड्डू बनी है। इतना ही अगर बाजार से लाओगे तो बहुत महंगी ये मिठाई मिलती है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। रेखा पाठक ब्लॉग चैनल में आपका स्वागत है। आज बनाने जा रही हूँ मलाई लड्डू। उसके लिए मैं ये 3 किलो दूध ली हूँ, फुल क्रीम। ये मलाई ली हूँ, ये चीनी ली हूँ, ये छोटी इलायची है इसको कूटूंगी, ये पिस्ता है इसको बारीक काट के रखी हूँ, ये केसर है, ये विनेगर है। कढ़ाई चढ़ा दी हूँ, 1 चम्मच में इसमें पानी डाल दी हूँ। अब इसी में मैं 1 लीटर दूध डाल देती हूँ। इसको मैं खोवा मारूंगी। अब इसको मैं चलाते रहूंगी। देखो हमारे दूध उबल गई है। अब मैं जो ये केसर रखी हूँ वो केसर में थोड़ी सा 2 बूंद मैं इसमें दूध डाल दूंगी। अब मैं ये दूध को दूसरे चूल्हे पर चढ़ा देती हूँ। इधर मेरा दूध जब तक सूखेगी तब तक मैं दूसरे चूल्हे पर दूध को फाड़ लेती हूँ। मैं पतीला चढ़ा दी हूँ। पतीला में 2 चम्मच में फिर से पानी डाल दी हूँ। अब इसी में मैं 2 लीटर जो दूध है डाल दूंगी। अब इसको भी मैं उबालूंगी। जब उबल जाएगी फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यह देखो मेरा ये दूध 2 लीटर जो था पतीला में खौल गई है। अब मैं गैस को बंद करती हूँ। इसको थोड़ी देर ठंडा करने के लिए चलाते रहूंगी। यह देखो थोड़ी देर हो गई है। अब मैं इसमें विनेगर डालूंगी। ये विनेगर है, इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी। अब 1 चम्मच मैं इसमें डालूंगी फिर मैं घुराऊंगी। यह देखो इसमें मैं 4 चम्मच विनेगर डाली हूँ पानी मिक्स करके। ये कितनी अच्छी से दूध मेरे फट गई है। अब मैं इसको छानूंगी। अब ये छन्नी में रख दी हूँ। छन्नी के ऊपर एक कपड़ा रख दी हूँ। अब इसी में मैं छान लूंगी। यह देखो मैं सारा निकाल ली हूँ। अब इसको मैं हल्का सा पानी डाल के धोऊंगी। जो विनेगर का अंश रहेगा वो सारा निकल जाएगी।
या देखो मैं पानी से हल्का सा धो दी हूं, अब मैं इसको निचोड़ूंगी। मैं सारा निचोड़ ली हूं, अब मैं इसको थाली में रखूंगी। अब ये पनीर को मैं एक गिलास से मिलाऊंगी, क्योंकि पनीर अभी बहुत गर्म है, फिर मैं हाथ से मिलाऊंगी। बस इसी प्रकार अभी मैं मिलाऊंगी। अब ये देखो मेरा जो ये पनीर और छेना जो भी कहो वो ठंडी हो गई है, अब मैं इसको हाथ से करूंगी। यह देखो खूब सुंदर से मेरा पनीर मिल गई है, अब मैं इकट्ठा करके रख देती हूँ। अब इसको मैं ढक देती हूँ। यह देखो जो मैं खोआ मार रही थी, ये मेरा खोआ भी तैयार ही है। दो हिस्स मेरा सोया है और एक हिस्स बची। अब मैं मलाई डालूंगी। अब इसको भी मैं थोड़ी देर पकाऊंगी। ये इलायची जो थी वो मैं कूट के ले आई हूँ, इलायची डाल देती हूँ। अब इसको भी थोड़ी सा मिलाऊंगी। अब मैं इसमें चीनी डाल देती हूँ। चीनी मैं कम डाली हूँ, अगर आपको इच्छा हो तो इससे ज्यादा भी चीनी थोड़ा डाल सकते हो। अब इसको भी थोड़ा मिलाऊंगी। यह देखो मेरा चीनी भी घुल गई है, अब मैं इसमें पनीर डालूंगी। अब इसको मैं बढ़िया से मिलाऊंगी। गैस मेरा एकदम बिल्कुल मध्यम है, जब से मेरा दूध सूखी है तब से गैस को मैं मध्यम करके रखी हूँ। यह देखो कितनी सुंदर से मिल गई है, कितनी सुंदर देखने में लग रही है, पर अभी हुआ नहीं है। यह देखो कढ़ाई छोड़ दिया है मेरा, ये जो पनीर है वो कढ़ाई छोड़ दिया है, अब ये हो गया है। गैस मैं बंद करती हूँ। अब मैं दूसरे बर्तन में निकाल लेती हूँ। देखो मैं सारा निकाल ली हूँ, अब इसको ठंडा होने के लिए थोड़ी देर छोड़ देती हूँ, फिर मैं लड्डू बनाऊंगी। ठंडी हो गई है, अब मैं इसको लड्डू बनाऊंगी। अपनी पसंद से बड़ी बनाओ छोटी बनाओ, मैं तो बड़ी बड़ी बना रही हूँ। इसी तरह मैं सारे लड्डू बनाऊंगी। देखो मैं सारे लड्डू बना ली हूँ। अब इसमें जो मैं केसर रखी थी दूध में डाल के, अब केसर इसमें लगाऊंगी।
एक केसर ये लिए लगा रही हूँ कि देखने में सुंदर लगे। ये सारे में मैं लगा दी हूँ। अब ये जो पिस्ता है ये मैं लगा देती हूँ। इसी प्रकार मैं सारे में लगाऊंगी। ये सारे में मैं पिस्ता लगा दी हूँ। देखो मेरा मलाई लड्डू कितनी सुंदर बनी है और कितनी अच्छी देखने में लग रहा है। ये 3 किलो दूध के हमारे ये मलाई लड्डू बनी है। इतना ही अगर बाजार से लाओगे तो बहुत महंगी ये मिठाई मिलती है। अगर आपको अच्छा लगे मलाई का लड्डू तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दोस्तों से शेयर करने नहीं भूलना, कमेंट जरूर से जरूर करना।